Hello friends, I am your friend Dr. Subha Kumari and I very warm welcome on my YouTube channel. Friends, आज के इस वीडियो में लेक्चर का टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट. लेक्चर स्टार्ट करते हैं. 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया जिससे दांडिक न्याय का प्रशासन प्रभावित हुआ. इस अधिनियम के तहत एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी और इसकी सहायता के लिए चार काउंसिलर थे. एक उच्चतम न्यायालय बंगाल के फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था. यह न्यायालय सिविल, दांडिक, नवाधिकरण तथा चर्च संबंधी सभी विषयों का संज्ञान लेता था. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किंग इन काउंसिल को अपील की जाती थी. सभी ऐसे मामले जिनका विचारण उच्चतम न्यायालय द्वारा होना होता था वे कलकत्ता निवासी ब्रिटिश नागरिकों की जूरी द्वारा विचारित किए जाते थे. गवर्नर जनरल, गवर्नर या उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायमूर्ति द्वारा किया गया कोई भी अपराध इंग्लैंड में किंग्स बेंच न्यायालय द्वारा विचारणीय था. वह न्यायालय चार्टर जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की बुनियाद रखी गई थी उसकी तिथि 26 मार्च 1774 थी. जब तक कि 1861 के अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय स्थापित नहीं हो गए थे तब तक कलकत्ता में न्याय प्रशासन व्यवस्था पूर्वत एज इट इज बनी रही थी. 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को ठीक करने के लिए एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया. इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल की उन शक्तियों को परिभाषित एवं प्रतिपादित किया गया जिनके तहत उसे प्रांतीय न्यायालय गठित करने थे और उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए एक कमेटी नियुक्त करनी थी. गवर्नर जनरल को इन न्यायालयों के मार्गदर्शन के लिए विनियम बनाने की शक्ति दी गई थी. उस समय मुस्लिम दंड विधि बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों पर लागू थी. 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस की गवर्नर जनरलशिप की अवधि पूरी होने वाली थी कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण की और कुछ नए कदम उठाए गए. तदनुसार 1793 का अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत कुछ पूर्व उपायों को समेकित एवं निराश्रित कर दिया गया. बंगाल के मुफस्सिल नगरों में जिला तथा नगर न्यायालयों के अधिकारियों को दांडिक मामलों के निपटारे के लिए सदर अमीन और प्रधान सदर अमीन की हैसियत देखकर सीमित शक्तियां दे दी गई थी. वे चोरी के छोटे छोटे मामलों तथा दांडिक अपराधों का निपटारा करते थे. वे 50 रुपये तक के जुर्माने का दंड दे सकते थे और कठोर श्रम सहित या कठोर श्रम रहित 1 मास के कारावास का दंड भी दे सकते थे. उनके निर्णयों के विरुद्ध मजिस्ट्रेट या संयुक्त मजिस्ट्रेट को अपील की जा सकती थी. जिन अपराधों के लिए कठोर दंड विहित था उसका विचारण मजिस्ट्रेट करते थे. जिन्हें 2 साल तक का कारावास कठिन परिश्रम सहित या बिना कठिन परिश्रम के दंड देने के लिए सशक्त किया गया था उस समय कुछ सहायक मजिस्ट्रेट तथा उप मजिस्ट्रेट भी थे परंतु उन्हें पूरी मजिस्ट्रेसी शक्ति नहीं दी गई थी. भारी दंड अपेक्षित करने वाले अपराध सेशन जज के यहाँ अंतरित कर दिए जाते थे. सेशन जजों द्वारा जब भी मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड दिया जाता था तो उसकी पुष्टि निजामत अदालत के अधीन थी. सेशन जज के विनिश्चयों के विरुद्ध निजामत अदालत में अपील की जा सकती थी. 1833 तक बंगाल में प्रशासन इसी प्रकार का था. मद्रास में जिला मुंसिफों के पास सीमित दांडिक अधिकारिता थी. वे केवल 200 रुपये जुर्माने या 1 मास के कारावास का दंड दे सकते थे. 1816 के विनियमन 10 के द्वारा मजिस्ट्रेटों को 1 वर्ष के कारावास का दंड देने के लिए सशक्त किया गया था. इसके अतिरिक्त सदर अमीन थी जो मामूली अपराधों का विचारण करते थे. गंभीर प्रकृति के अपराधों को विचारण हेतु सेशन जजों के पास भेज दिया जाता था. राज्य के विरुद्ध अपराधों को फौजदारी अदालत में भेज दिया जाता था. मद्रास प्रेसिडेंसी में फौजदारी अदालत मुख्य दंड न्यायालय थी और उसमें वही सब शक्तियां समाहित थी जो बंगाल में निजामत अदालत को दी गई थी. बम्बई में दांडिक न्याय प्रशासन मद्रास तथा बंगाल प्रेसिडेंसियों की ही पद्धतियों में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन करके किया जा रहा था. बंगाल, मद्रास तथा बम्बई के न्यायालयों की पद्धति और प्रक्रिया उन्हीं विनियमों
द्वारा विहित हुई थी, जो कि समय समय पर पारित किए जाते रहे। 1793 से 1834 तक बंगाल में 675 विनियमन पारित किए गए तथा 1800 और 1834 के बीच मद्रास में 250 तथा उसी अवधि में बम्बई में 259 विनियम पारित किया गया। 1833 में भारत की पूरी दांडिक विधि को संहिताबद्ध करने तथा उसमें एक रूपता लाने के लिए हाउस ऑफ कॉमन के समक्ष में काले द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया। उसने हाउस ऑफ कॉमन को अवगत कराया कि भारत में मुसलमानों को कुरान शरीफ द्वारा तथा बम्बई की प्रेसिडेंसी में हिंदुओं को मनु के सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाता था। विधि के मुद्दों पर पंडितों तथा काजियों से परामर्श किया जाता था। कुछ मामलों में तो न्यायालयों के विनिश्चय मनमाने ढंग के ही होते थे। वास्तव में विधियां प्राय अनिश्चित ही रहती थी तथा उसमें प्रांत प्रांत में बड़ी बड़ी विभिन्नताएँ मिलती थी। इसलिए भारत में विधि संहिताकरण के इतिहास में 1833 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। 1833 के चार्टर अधिनियम ने संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एकमेव व्यवस्थापिका पुनर्स्थापित किया। इस विधेयिका को प्रेसिडेंसी नगरों तथा विभिन्न मुफस्सिल भूक्षेत्रों के लिए भी हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए समान रूप से कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।